इस लड़की ने बर्फ की रिंक पर कड़ी मेहनत की, लेकिन अगले ही पल उसके पैर पर सूसू दिखाई दिया। उसने अपनी माँ से शौचालय जाने की भीख मांगी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समय बर्बाद न करने के लिए कहा। चूंकि उसने कोच को बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए तान्या ने पूरी ताकत से प्रशिक्षण लिया। हालांकि उसकी माँ लगातार कहती रही कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जब दुर्घटनाएं भी हुई तब भी उसकी माँ ने उसे स्केटिंग जारी रखने के लिए कहा। प्रशिक्षण के बाद उसकी माँ ने उसे कंघी से बाथरूम में सजा दी। तान्या को अपनी माँ के बुरे स्वभाव को सहना पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने जिस भी स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, उसकी माँ ने उसे कभी प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि तान्या को कड़ी मेहनत न करने और उसके पैसे खर्च न करने के लिए दोषी ठहराया। वे अक्सर लड़ते थे और उसकी माँ ने उस पर चाकू फेंक दिया। तान्या ने एक शब्द भी नहीं कहा और निराश होकर चली गई। एक स्केटिंग प्रतियोगिता में एक आदमी ने तान्या का जोर से मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे दिए थे। तान्या को नहीं पता था कि यह उसकी माँ की करतूत थी। उसने रिंग पर पूरे आत्मविश्वास के साथ स्केटिंग की, फिर उसने ट्रिपल एक्सल को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। हर कोई रोमांचित था, लेकिन उसकी माँ थोपड़ा उतर गया। तान्या ने वो कर दिखाया जो दूसरे नहीं कर पाए और सभी की प्रशंसा अर्जित की। उसने अपनी माँ को साबित कर दिया कि वो ये कर सकती है और